अंबाला में कुछ युवाओं ने जीवीसी नेटवर्किंग कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी अंबाला को एक शिकायत सौंपी है। युवाओं का कहना है कि कंपनी ने उन्हें नौकरी देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है। इससे पहले युवाओं को 5 दिन के लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी। इस दौरान उनके सभी डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए गए थे और उन्हें उनके परिजनों से बात भी नहीं करने दी गई थी। इसके बाद प्रति युवा से 90,000 की राशि जमा करवाई गई थी, जिसमें उन्हें आगे बेचने के लिए कुछ सामान दिया जाना था, पर लेकिन ना ही उन्हें सामान मिला और ना ही नौकरी, जिसके बाद एसपी अंबाला के पास न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। यही नहीं, युवाओं ने यह भी आरोप लगाए कि कंपनी ने उनसे खाली कागजों पर साइन भी करवाए हैं और जब भी पैसे मांगने के लिए उन्हें फोन करते हैं तो वह उनके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरा नाम श्वेता है और मैं बिलासपुर की रहने वाली हूँ, शहजादपुर के पास। यहाँ पे प्रेमनगर में जीवीसी कंपनी है और हमें यहाँ पे सैलरी मतलब कि जो है नौकरी का झांसा देकर हमें यहाँ पे बुलाया गया। इसमें हमें 18,000-15,000 रुपये हमारी सैलरी बताई गई और हमसे 90,000 रुपये लिए गए और इसमें हमसे इंश्योरेंस और नॉमिनी फैसिलिटी सब कुछ बताया गया था, लेकिन हमें कुछ कुछ फैसिलिटी नहीं मिली, बल्कि हमसे 90,000 रुपये धोखाधड़ी के साथ लिए गए। फ्रेंड्स ने बुलाया था जैसे आगे से आगे, मतलब कि जैसे उन्होंने हमसे 5 दिन की हमारी ट्रेनिंग हुई, उस ट्रेनिंग के दौरान हमारे डॉक्यूमेंट मोबाइल सब कुछ हमारे पास से ले लिया अपने कब्जे में और ना ही फैमिली वालों से बात करने देते थे और ना ही घर जाने देते थे। यहीं पे प्रेमनगर में भवेजा हॉस्पिटल के सामने जीवीसी ग्रेटनेस विक्ट्री क्लोथिंग, पहले रॉयल इंडिया मतलब कि रॉयल इंडिया के नाम से थी, फिर उसका नाम चेंज कर लिया, अब दोबारा फिर नाम चेंज कर लिया उसका। नहीं मैम, और मतलब कि इसकी कोई भी जांच नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं है इसके ऊपर। हमने पहले भी 2 महीने हो गए हमने कंप्लेंट कर रखी है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। हम यही दरख्वास्त मतलब कि यही अपील कर रहे हैं कि मतलब कि जो हमने पैसे दिए हमारे वो पैसे वापस हो करें और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम हेमंत है और मैं छज्जन माजरे से हूँ, नैनगढ़ के पास। मुझे यहाँ पर नौकरी के लिए कह के बुलाया गया था कि 18,000 सैलरी है और यहाँ पर हमें मतलब 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई और यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट और फोन सारे जब्त कर लिए गए थे और 5 दिनों के बाद इन्होंने हमसे 90,000 रुपये भरवाए और बोला कि नॉमिनी फैसिलिटीज है और 10 लाख का इंश्योरेंस है और स्टॉक मिलेगा, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया गया और हमसे 90,000 हड़प लिए और हमें फ्रेंड के थ्रू बुलाया गया था यहाँ पे। उन्होंने मतलब स्टॉक बोला था 90,000 का आपको स्टॉक मिलेगा और उसमें से मतलब कि आपको आगे सेल करने होंगे। पहले उन्होंने मतलब कि कंपनी वहाँ से बंद करनी थी तो लोक लुक लगा के वो वहाँ से चले गए थे। उन्होंने दूसरी जगह अपनी कंपनी खोल रही थी तो वहाँ पे जैसे हमने पता किया तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी पुरानी कंपनी थी जहाँ पे इंटरव्यू हुआ तो वहीं से पैसे पूछे स्टॉक मिलेगा तुम्हारा, पर लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं मिला क्योंकि कंपनी बंद करके चले गए। इस मामले में बलदेव नगर थाना SHO रामकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें कुछ युवाओं ने शिकायत दी थी कि जिनमें उन्होंने जीवीसी नेटवर्किंग कंपनी जो कि मॉडल टाउन अंबाला शहर में है उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और नौकरी देने के नाम पर उनसे पैसे हड़पने के भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई जारी है। एक हमारे पास दरखास्त आई थी जाँच के लिए कि जीवीसी नेटवर्किंग कंपनी है इधर मॉडल टाउन एरिया जो मनाली हाउस रोड पे, तो इसने कुछ कैंडिडेट्स को प्रशिक्षण के लिए 2200 रुपए की रसीद काटी थी कि उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद उनको फिर आगे की जो भी उनकी ज्वाइनिंग वगैरह वो हो जाएगी, तो उसके बाद उनसे कुछ पैसे भी ले लिए गए और उनको उस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो भी बेचने के लिए कहा गया, लेकिन अब वो कंपनी यहाँ से जा चुकी है। तो उनकी दरखास्त पर जाँच के बाद हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तो दरखास्त में 5-6 कैंडिडेट्स के नाम थे, बाकी आगे तफ्तीश में जो भी आएंगे उनको देख लिया जाएगा। इनसे जो कंप्लेंट के मुताबिक 90,000 रुपए